तुम काटता है कि बोल बड़ा छोटा एक पैसा कम नहीं चाहिए ले ले चल रहा है चल रहा है तो ले वरना निकल जा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तमिलनाडु की राजधानी यानी चेन्नई के चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और भैया हम आप सभी को ले जाने वाले हैं छपरा। काहे से कि लोग कहते हैं कि नून रोटी खाएंगे छपरा लौट के नहीं जाएंगे, इसीलिए मैं सबको बता देना चाहता हूं कि भैया पनीर रोटी खाएंगे छपरा लौट के जाएंगे। क्योंकि भैया जो आज अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है 12669 गंगा कावेरी एक्सप्रेस में, जो कि हफ्ते में केवल दो दिन मंडे और सैटरडे को चेन्नई से लेकर छपरा के बीच में चलती है। और अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस लगी है चेन्नई के प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे। और भैया अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये चेन्नई से मतलब शाम 5:40 पर निकलती है। और ठीक यानी हम लोग 3 दिन का लंबा जर्नी करने के बाद 40 घंटे में हम लोग होंगे छपरा सुबह 9:35 पे। और भैया इस ट्रेन में जो अपनी जर्नी होगी आज होगी स्लीपर क्लास में। सीट तो मिला है लेकिन बात ऐसी है कि अपना सीट है आरएसी का, मतलब दो लोगों का आपस में मिलन होने वाला है, बांटेंगे। तो देखते हैं किसके साथ मिलते हैं और बताते हैं आरएसी का मतलब क्या होता है। और जो ये रेलवे स्टेशन है चेन्नई, ये भी बिल्कुल हावड़ा की तरह है। यहाँ पर भी भैया फुट ओवर ब्रिज नहीं होता है, पैदल ही रौन दो कहीं भी। चलो सीट देखते हैं अपना। तो भैया जी मिल गया अपना सीट, देखो यही है 71। अपने साथी भाई लोग हैं, मतलब मजा आने वाला है। मैं सोचा कोई अकड़ उकड़ी मिल जाएगा ना, तो सोच लेना क्या हालत होने वाला है, लेकिन भाई मिल गया तो जर्नी अच्छा कटेगा। भैया जी बात ऐसी है कि ट्रेन अपनी निकल चुकी है अपने चेन्नई से और हमारे सामने लगी है चेन्नई एक्सप्रेस। और हाँ, आप सभी के अगर हमारे साथ पहली मुलाकात है तो पता है ना क्या करना है, वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पता है क्या है, क्योंकि बेल आइकन का घंटी मिलाइएगा तो हमारे साथ बार बार कनेक्ट हो पाइएगा और जर्नी का ऐसी मज़े लेते रहिएगा। और बात करें तो अब हम पहुंचेंगे छपरा। और सोचो छपरा जाएंगे तो कितना मार खाएंगे, काहे से कि कहे थे ना कि नून रोटी खाएंगे छपरा लौट के नहीं आएंगे। लेकिन आप सभी हमारे साथ जर्नी जरूर इंजॉय करेंगे। भाई चेन्नई ऐसी 6-7 महीनों में आप सभी मिलते रहेंगे। तो जी ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपनी पहली हॉल्ट यानी गुड्डूर जंक्शन। और मैं गुड्डूर जंक्शन की बात करूँ तो स्टेशन कोड GDR नंबर प्लेटफॉर्म 5। और यहां से 9 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। डेली अगर हॉल्टिंग की बात करते हैं तो 255 ट्रेनों का यहां पे हॉल्ट है। वैसे तो ये पड़ता है अब आंध्र प्रदेश में, हम लोग थे पहले तमिलनाडु में और ट्रेन जो है अपनी पहले ही हॉल्ट पे आई है, ज़्यादा नहीं मतलब 10-12 मिनट लेट आई है। और यहाँ की अगर जनरल क्लास की बात करें तो भाई जनरल क्लास की हालत ठीक ठाक लग रही है अभी तक। अब विजयवाड़ा में देखो क्या होता है, दिखा भी दूंगा कि कैसा इस ट्रेन की जनरल क्लास की हालत है फिलहाल में। और ये जो गुड्डूर है अपने फेमस है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पर धान के खेती काफ़ी होती है। और जो झींगा मछली आती है ना, झींगा छोटा छोटा होते हैं वो भी यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन शुगर कैन का तो इधर खेती होता ही है। मैं पहले जानता था कि यूपी में ही केवल शुगर कैन की खेती होती है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। देखो हॉर्न हो गया है, निकलना पड़ेगा अपने को ना। ले लो ले लो, अन्ना को जाते जाते बोनी भरा दो। एक नहीं मिलता, 40 रुपया यार। पहले आपको बोला एक पैसा कम नहीं चाहिए, ले लो चल रहा है चल रहा है तो ले वरना निकल रहा है। क्या बोलता तू, चल रहा है मिलता। अन्ना बड़ा कहाँ था भैया जी, ये देखो आ गया है अपना खाना। बात ऐसी है, दिखाओ भाई, ये है अपना अंडा बिरयानी, 100 रुपये का दिया है यार, इतना महंगा। अभी तक मैंने किसी ट्रेन में 100 रुपये का अंडा बिरयानी नहीं खाया था, 90 रुपये का 80 रुपये का। लेकिन देखते हैं भैया, 100 रुपये दिए हैं तो टेस्ट मिल रहा नहीं, बाकी कल तो कल हम हिसाब पे एंट्री में जाके इनके मैनेजर से कर ही लेंगे। टेस्ट की बात करो तो ठीक है, अगर मजबूरी ना हो ना तो बिल्कुल मत खाना, यही है 100 रुपये का। साला 100 रुपये लायक है भी, बिल्कुल भी 100 रुपये लायक नहीं है। क्या इसमें टेस्ट नहीं है रहा खा रहे हो तो? 10 में से 5 नंबर भी दे दूँ तो उतना ही ज़्यादा है। चलो ठीक है, मजबूरी है, खाना पड़ेगा, नहीं लाया था कुछ। फेंकना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन क्या कीजिएगा, टेस्ट ऐसा है कि खाया नहीं जा रहा है। आधा खाया हूँ और आधे को
डस्टबिन में डालना पड़ रहा है। क्या चीज है? मत लेना, लेके आना भैया चेन्नई से अपना। जी भैया, रात के बज रहे हैं 10:07 और हम लोग पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश के 13वें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर यानी ओंगल में। और ओंगल में आई है अपनी ट्रेन पूरे आधे घंटे लेट। वैसे अगर मैं ओंगल की बात करूँ, स्टेशन कोड OGL नंबर पर फॉर्म 3 और यहाँ से 2 ट्रेन ओरिजिनेट और ट्रेमस होती है, लेकिन 249 ट्रेनों का हॉल्ट है, मतलब अच्छा खासा रेलवे स्टेशन है ये। स्टॉपेज के मामले में काफ़ी लोग भी यहाँ से चल रहे हैं। अभी फिलहाल मैं साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के विजयवाड़ा डिवीजन में चल रहे हैं, विजयवाड़ा तक तो उधर ही रहेंगे। और वैसे अगर बात करूँ तो पूरी ट्रेन तो खाली ही थी, मतलब अभी तक खाली जा रही है, विजयवाड़ा में भरने वाला है। बताओ, RAC सीट अपना है, कन्फर्म नहीं हो रहा है और खाली जा रही है, अच्छा नहीं लगता। और ये ओंगल शहर है ना, काफ़ी खूबसूरत शहर है क्योंकि यहाँ पे इसका खुद का सी बीच है, समुद्री तटीय क्षेत्र है। और ये ओंगल पता है किस लिए पड़ा है? क्योंकि ओंगल एक बैल की प्रजाति है, उसी के नाम पे इस ओंगल शहर का नाम भी पड़ा है। चलो, अब तो शायद विजयवाड़ा में मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो मॉर्निंग में हो जाएगा, शायद सो ही जाऊंगा। अब देखते हैं क्या करते हैं, विजयवाड़ा मिलते हैं, रात के 12 बजे आएगा वो भी। तुम काटता है कि बोल? बड़ा छोटा है रे बाबा, बड़ा छोटा है। तो जी भैया, सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी महाराष्ट्र के बल्लारशाह जंक्शन में। और बल्लारशाह रेलवे स्टेशन की बात करूं तो स्टेशन कोड BPQ नंबर प्लेटफॉर्म 5 और यहां से 9 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। डेली हॉल्टिंग की बात करूं तो 244 ट्रेनों का यहां पे हॉल्ट है। और ये जो ट्रेन है अपनी, ज़्यादा नहीं लगभग आधे घंटे के करीब में लेट चल रही है। वैसे सेंट्रल रेलवे जोन के अब हम लोग नागपुर डिवीज़न में आ चुके हैं और जो ट्रेन थी और अपना नींद था रात भर में, कहो तो ठीक ठाक पूरा भी हुआ, मतलब 75% के आसपास पूरा भी हुआ है और नहीं भी, क्योंकि देखो अभी तक हमें कोई सीट अभी तक अलॉट नहीं किया गया। TT कह रहे हैं कि इसमें इतना सारा सीट फुल है कि भैया आपको हम सीट नहीं दे सकते, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी होगा। आज रात कोई पता नहीं सोने को मिले या ना मिले, लेकिन आज तो कुछ थोड़ा बहुत सो लिया एक ही साथ दोनों भाई, मिलवाऊंगा भी उससे। और सुबह सुबह ही भाई बंदर आ गया, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बस, उसका हुआ मेरे साथ, उसका रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। कोई नहीं, चलो यार नाश्ता पानी का भी जुगाड़ कर लगाते, देखते हैं कुछ। चलिए जी, निकल चुकी है बल्लारशाह से, इस पर वीडियो बनाऊंगा जी, दिन की बाइक ट्रेन में कैसे ले जाएं। चलो भैया सफाई कर रहे हो, तो ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है ऑरेंज सिटी यानी नागपुर में, जो है महाराष्ट्र का 3rd और देश का 13वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में बड़ा। और वैसे नागपुर के बाद करते हैं, स्टेशन कोड NGP नंबर प्लेटफॉर्म 8 और यहां से 33 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। डेली 341 ट्रेनों का हॉल्ट है। सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीजन मिल रहे हैं। और नागपुर में आइएगा तो आपको हर जगह खाना और हर जगह पानी की उपलब्धि है। देखो, देखते हैं नागपुर वाले क्या खाना दे रहे, अगर हो सकता है तो यहीं से लेंगे, नहीं तो ऑन बोर्ड कैटरिंग है इसमें, उसी का सेवा उठाएंगे आज भी। देख, रात को तो पर खाना बिल्कुल खराब दिया था, देख ही लेते क्या दे रहा है नहीं दे रहा है। भैया मिले हैं, क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम महफूज आलम है। महफूज आलम भैया हैं, ये पूछे कि आप यूट्यूब करते थे, मतलब हाँ, तो भैया ने सब्सक्राइब किया, भाई लोगों का सपोर्टर आप लोगों भी। अरे बिल्कुल भाई, क्या कीजिए, भाई मेहनत कर रहा है, इसको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बस भाई की मेहनत का फल इनको मिलना चाहिए, समझ गए ना। ये निकल चुके हैं नागपुर से, नागपुर से खाना नहीं लेने वाला था, लेकिन सोचो चला एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है, क्योंकि एक बार बहुत पहले लिया था, टेस्ट अच्छा नहीं था, इस बार भी लिया हूँ, दिखाता हूँ, शायद अभी टाइम का मैटर करता होगा क्योंकि उसमें काफ़ी रात में लिया था, इस बार तो दिन में लिया हूँ। और टाइम देख सकते हो अभी 11 बजने वाला है, तो कुछ अभी बना होगा, देखते ही हैं। और डायमंड क्रॉसिंग देखते हैं थोड़ा बहुत, देखते हैं कौन सा मिलता है, छोटा वाला के बड़ा वाला। तो जी आ गया ये आपका डायमंड क्रॉसिंग, ये देखो, और जस्ट ऐसा ही वहाँ पर भी वो जो भीड़ देख रहे हो, बिल्डिंग है
वहाँ पर भी है। ऐसा ही है कुछ यहाँ का डायमंड क्रॉसिंग। और ये बड़ा वाला वहाँ पर देखिए जो बिल्डिंग निकला है। आप लोग सोच रहे हो नागपुर का संतरा नहीं लिया था, लिया है भाई यहाँ लिया है। ये भैया दे रहे हैं 20 रुपये का और थाली लिया है 70 रुपये का। जब स्टेशन पर लोग है ना तो यही संतरा 50 रुपये का देंगे तो क्या फायदा, इनसे नहीं ले लें, इनकी भी कुछ मदद हो जाएगी। ये दाल है या हाथ धोया वो पानी पता नहीं चल रहा है। इसमें मटर और क्या है पालक की सब्जी दे रखा है और इधर देखिए बैंगन का सब्जी दे रखा है और इधर में ये और ये जो रोटी दे रखा है ना शकल से ही लग रहा है कि 2-3 दिन का रोटी है। ये देखो पूरा 2-3 दिन का रोटी लग रहा है। टेस्ट की बात करूँ तो पहले ही खा लिया हूँ, इतना मतलब बकवास लग रहा है ना कि अब मेरे को फिर से फेंकना पड़ेगा कल रात के तरह ही। तो दोबारा अगर नागपुर में आना तो भैया नहीं लेना, मैं फेंकने जा रहा हूँ इसके लिए सॉरी, क्या कर सकते हैं कितना खाया जाए। तो जी दोस्तों ट्रेन अपनी पहले चल रही थी महाराष्ट्र में और अब लोग हाँ आ चुके हैं मध्य प्रदेश के बैतूल। बैतूल की बात करते स्टेशन कोड BZU नंबर प्लेटफॉर्म 3 और यहाँ से 2 ट्रेन और जनरेटर ट्रेन मेट होती है। डेली 143 ट्रेनों का हॉल्ट है और देख रहे हो अपने स्टेशन पर संघमित्रा भी आने वाला है। संघमित्रा का जर्नी नहीं देखो ना भाई बहुत बड़ी मिस कर रहे हो, तो उसको देखना जरूर डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अब हम अभी हम लोग सेंट्रल रीजन के नागपुर डिवीज़न में ही है और जो हमने नागपुर से खाना लिया था ना बहुत ही घटिया, इतना घटिया कि मुझे एक मतलब एक कहते ना बाइट लेना वो भी नहीं ले पाया और मुझे फेंकना पड़ गया। तो यही मैं कहूँगा कि देखो दोपहर का खाना इस ट्रेन में ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन मंगा लें, लेकिन नागपुर से तो नहीं लेना। जी निकल चुके बैतूल से और ये देखिए जनरल कंडीशन संघमित्रा एक्सप्रेस की गेट पर ही बैठ के बाय बेंगलुरु पहुंच जाओ जैसे ही देख रहे हो। हालत मतलब इतनी ख़राब रहती इस ट्रेन की संघमित्रा की कुछ कहने लायक नहीं है। गलती कर देते हैं लोग जनरल में जाते हैं और मैं भी यही गलती कहता जनरल में। जर्नी ज़रूर देखने यार बहुत मेहनत लगा था और बहुत मज़ा भी आया था, उसमें दो पार्ट थे उस जर्नी के। आजा बसंती आजा 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 वो उधर तुम्हारे साथ ही आ गए भैया इनको भी। तो जी भैया जी देखो ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है इटारसी, यानी वहाँ जहाँ पे 4 मेट्रो रेलवे स्टेशन मुंबई चेन्नई दिल्ली और हावड़ा जो भी यहाँ से ट्रेन होती है इधर से जो भी जाती है यहीं से कट के जाती है। और वैसे बात करूँ इटारसी की तो स्टेशन कोड ET नंबर प्लेटफॉर्म 8 और यहाँ से 12 ट्रेन और जनरेटर ट्रेन मेट होती है। डेली 471 ट्रेनों का हॉल्ट है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के। ये हम लोग अभी चल रहे हैं भोपाल डिवीज़न में। वैसे बात करूँ तो ट्रेन ठीक ठाक अपने टाइम पर बिल्कुल आ चुकी है, ज़्यादा लेट नहीं, 2-4-5 मिनट लेट। उधर तो भाई 40-45 मिनट तक लेट हो गई थी लेकिन इधर मैं बीच में अपना कवर कर ली। इधर में कोई लगी है भोपाल से इटावा के बीच में चलने वाली कोई अनारक्षित ट्रेन, मतलब DMU या लोकल कह सकते हो। और ऐसे बात करूं तो अब यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए आपको अच्छा खासा ऑप्शन है, काफ़ी बार मैं भी ट्राई किया हूँ। और सामने में देखो 5 रुपये वाला पानी मिल जाएगा, तो ये जो 15 रुपये का पानी का बोतल खरीदते हो ना इसमें 5 रुपये का पानी भरवा लिया करो। तो चलिए देखते हैं इधर उधर। और इटारसी पता है जो इटारसी शहर है इसका नाम इटारसी कैसे पड़ा, ईटा प्लस रस्सी, जो ईटा होता है रस्सी उसी के नाम पे पड़ा है इटारसी। देखते हैं हम क्या खाते हैं क्या पी। चलो जी भैया निकल चुके इटावा से और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने बढ़िया से खाया क्यों नहीं। बात ऐसी है कि इसमें पकौड़ा वकौड़ा जैसे कुछ भी चल रहा था ट्रेन में वही खा लिया था, लेकिन आपको भोपाल में बहुत सारी चीज़ों खाने के ऑप्शन मिलेंगे, चावल से लेके ब्रेड ऑमलेट तक, मतलब जो भी चाहिए आपको यहाँ इटारसी में मिल जाएगी। पहले भोपाल बोल देते उसके लिए सॉरी। तो चलिए चलते हैं नज़ारों को एक्सप्लोर करते हुए और अब थोड़ा बहुत लग रहा है मज़ा भी आने वाला है, देखते हैं कैसे।
के तो दिखा। चना नहीं खाया है, मेरे पैसा का है। वो चना किसका पैसा का है? वो चना किसके पैसा का है? बजा बजा कलेक्शन किया इतना सारा, बजाएगा कम से कम? पैसा देगा ना तो अगले बार। तभी तो चना खाया यार। खाने का खाया, पैसा मतलब तेरे को खिलाएंगे 10 रुपए का चना तो तू नहीं बजाएगा? ये तो लग रहा है तेलुगु में बजा रहा है। जबलपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुकी है। तो जी भैया जी, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है मार्बल सिटी यानी जबलपुर में। और अपना जबलपुर केवल मार्बल के लिए नहीं, अपने खूबसूरत पर्यटक स्थानों के लिए और अपने उभरते हुए व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपना ये जबलपुर। वैसे जबलपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो हम लोग आए हैं 10 मिनट डिले अपने टाइम से, क्योंकि 7 बजे का टाइम था, यहाँ पे 7:10 का ही है। वैसे जबलपुर रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, स्टेशन कोड JBP नंबर प्लेटफॉर्म 7 और यहाँ से 36 ट्रेन और जिनेटो ट्रेन मेट होती है। डेली हाल्टिंग करूँ तो 260 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का भी फिलहाल में हम लोग खुद के जबलपुर डिवीज़न में आ चुके हैं। वैसे अगर बात करूँ तो भाई पूरी ट्रेन में पूरे के पूरे जितने भी कोच है पूरे का पूरा फुल है। और भैया हमारा तो सीट जानते ही हो कौन सा है, पूरा दो भाइयों के साथ अपने शेयर कर रहे हैं सीट। तो क्या कीजिएगा, आज रात को भी नहीं सोएंगे, कल रात को तो हम सो ही नहीं पाए, कल तो कुछ सो भी लिया था, आज तो नहीं लगता उम्मीद सो पाएंगे। वैसे आपको खाने पीने के लिए आपको यहाँ पे हर एक चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन देखो मैं बाहर का खाना आज लेने वाला हूँ नहीं, मैं पेंट्री में शायद थाली वाली है कोई, चिकन थाली जो भी हो, यहाँ पे पेंट्री के अंदर का एक थाली ट्राई करूँगा। कल तो मेरे को अच्छा लगा था क्योंकि ऑन बोर्ड लिया गया था चेन्नई से, लेकिन इसमें प्रिपेयर किया गया है तो अच्छा लग सकता है। चलो देखते हैं यहीं पे। और हाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जो जबलपुर है उसे मार्बल सिटी पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से 10 से 15 किलोमीटर दूर पे गेट घाट है। बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि भैया मैं कुछ पहले बोल लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से अब गेट घाट है, उसी गेट घाट में अच्छा खासा संगमरमर निकाले जाते हैं, इसीलिए इसे मार्बल सिटी भी कहते हैं। चलो खाने पीने का जुगाड़ लगाएंगे, ट्रेन के अंदर बाहर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आपको जी देखो आ गया ये अपना खाना, ये है कोई चने और उसकी सब्जी, और ये गाल जो दाल है देखने में तो अच्छी लग रही है, राइस दिया लेकिन मैच कर गया है। और मिला है अपने को 3 रोटी, हमें भी दिखाओ यार, हम भी खा रहे हैं। अगर टेस्ट की बात करें ना तो रोटी वोटी सॉफ्ट है, गर्मा गर्म है सारा खाना। सब्जी का टेस्ट भाई अच्छा है, तो दाल का मतलब 120 रुपये में आज लग रहा है कि खाने लायक खाना है। बिरयानी भूल के नहीं लेना, ये वेज थाली खा सकते हो, चिकन उकन तो मिल नहीं रहा था। चलो खाते और मिलते आपसे कटनी में, देख लो मस्त मिला है, मतलब खा ठीक ठाक है, इतना भी खुश नहीं हो जाना कि चामन अमृत मिल जाए खा के स्वर्ग में जाओगे। तो जी दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है कटनी जंक्शन, इंडियन रेलवे के जंक्शनों में से एक सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इसको भी कह सकते हो जंक्शन के मामले में। और हाँ दूसरा सबसे बड़ा लोको डीजल इंजन शेड यहीं पर कटा हूँ कि जो स्टेशन है यहाँ पे मेरा फर्स्ट विजिट है। इससे पहले मतलब आया गया बहुत बार हूँ लेकिन रुका आज तक कभी नहीं था। और जो कटनी है इन दो चीज़ों के लिए तो फेमस है, लेकिन अपने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स जो भी नेचुरल चीज़ें होती है जो धरती वरती के अंदर से निकलता है, बक्साइड और एक ऐसा कुछ है उसके लिए काफ़ी है फेमस है। वैसे अच्छा खासा जंक्शन तो बता ही दिया है। चलो 2 मिनट का हॉल्ट होता है, इसको कवर करना जरूरी था क्योंकि मैंने इसको कवर किया नहीं। और हाँ जो खाना खाए हैं ना, खाना भाई स्वाद में कहें 10 नंबर में से 8 नंबर दिया जा सकता है क्योंकि टेस्ट ठीक ठाक था। अब इससे ज़्यादा इस ट्रेन में क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन 20 मिनट ज़्यादा ट्रेन लेट हो चुकी है। खिलौना भी मिलेगा था बच्चों के लिए, ले जा सकते हो मन है तो, है बबुआ तो ले जाइए। ये जी ट्रेन अपनी निकल चुकी है कटनी से, और बात ऐसी है कि आगे आएगा सतना, शायद 10 साढ़े 10 बजे करीब आएगा।
तो वैसे मैंने कई बार उसको कवर कर भी रखा है, देखना चाहो तो बहुत सारी ऐसी जर्नी है जिसमें देख सकते, जिसमें सिकंदराबाद हो गया आपका दानापुर सिकंदराबाद, उसमें मैंने इसको कवर किया है जितना मेरे को याद है। बाकी आप बताइएगा किस किस में कवर किया है। जब तक के लिए हम सोने चले। बनारस जंक्शन। तो जी भैया जी, सुबह क्या हो रहे हैं, अभी 5:45 और ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है हिंदुओं का सबसे बड़ा धाम यानी बनारस, जिसका है नाम काशी विश्वनाथ धाम। बनारस की यहाँ की पान, बनारस की गलियां, बनारस की लोग और वाराणसी के यहाँ के अच्छे अच्छे जायके, तो इसीलिए हम पहुंच चुके अभी बनारस में। और जो अपनी ट्रेन है 45 मिनट, मतलब 45 नहीं मतलब 20-25 मिनट पहले अपनी ट्रेन आ गई थी। हमने सोचा छपरा तक कहाँ लेकर जाए, चलिए आपको बनारस का ही दर्शन करवाए, इसीलिए भाई हम तो रुक गए यहीं पे। लेकिन आप सभी को वहाँ तक की जर्नी कैसी लगी बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके भाई ने चेन्नई से लेके यहाँ तक आपको लाया है, काफ़ी मेहनत लगी है। तो प्लीज़ आप सभी से दोनों चारों जितना भी हाथ हमारे पास जोड़ के विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी जाइएगा नहीं, अभी काशी विश्वनाथ और गंगा जी का दर्शन करा ही देंगे आपको भी। तो जी पहुंच गया फाइनली महादेव नगरी। ये देखिए हमारे आसपास में पूरे बोट अबोट, वहाँ पर होती है गंगा आरती, जिसका आप भागीदारी बन के एक अलग जीवन का शुरुआत कर सकते हो। तो आप सभी को दर्शन करने का मौका मिले तो काशी विश्वनाथ का दर्शन जरूर कीजिएगा। नया कॉरिडोर बन चुका है, इतना ही तक दिखा सकता हूँ, अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं दर्शन करके आ चुका हूँ। तो चलिए फिर मिले किसी नेक्स्ट जर्नी में, किसी नेक्स्ट ऐसी खूबसूरत जगह पे, किसी नेक्स्ट ट्रेन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भोलेनाथ।